वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं माय चैनल कुक फूड पैराडाइज। तो आज हमारे किचन में बन रहा है हेल्दी ब्रेकफास्ट। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम ना हो तो आप इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है खाने में। आप इसे खुद के लंच में या फिर आप अपने किड्स के लंच में भी इसे दे सकते हैं। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ईजी होता है बनाना और इसे आप फटाफट से कम टाइम में बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है भुट्टा और भुट्टे को मैंने नाइट में ही छील कर रख लिया था और अब हम इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे। इसे मिक्सर जार में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे से मिक्सर में पीस जाए और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। तो मैंने इसे पीस लिया है और ये बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो इसे पीसने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉल में और बॉल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे पहले प्याज जिसे मैंने ऑमलेट कट काट लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च जो कि है मेरा हाफ कप। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक जो कि है मेरा 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। उसके बाद इसमें जाएगा मेरा 1/4 टीस्पून हल्दी ताकि हमारा जो रोटी है उसका कलर अच्छा आए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और इसे हम अपने हाथों से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन बहुत ही अच्छी होती है हमारे पेट के लिए। अगर आपको अजवाइन पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें आप और भी कुछ जैसे गाजर या धनिया पत्ता कट करके डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम लेंगे एक तवा और इसे हम गैस पे पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को हम तवे पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जो बैटर मैंने रेडी किया हुआ था उसका हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर के इस तरह से तवे पे स्प्रेड करेंगे बिल्कुल रोटी के शेप में और इसे बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होने पे ये बहुत उतना अच्छा नहीं लगता है खाने पे। इसे बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें। तो थोड़ा देर हो जाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और एक तरफ अच्छे से हो जाने के बाद इसे हम पलट देंगे और दूसरे साइड भी हम अच्छे से इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे दूसरे साइड भी मेरा हो चुका है और इस तरह से थोड़ा दाब दाब कर हम अच्छे से इसे क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। ये क्रिस्पी होने पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो दोनों तरफ अच्छे से मेरा हो चुका है तो इसे मैं निकाल लूँगी और दूसरा रोटी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। आप इसे नॉनस्टिक तवे या फिर नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं। मैं नॉनस्टिक तवा का यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी नॉनस्टिक तवा का ही यूज़ करें। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा नहीं है तो आप लोहे के तवा जिसमें आप रोटी या चपाती तैयार करते हैं आप उसमें भी रेडी कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है और ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। इतना टेस्टी ये देखने में लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा यम्मी है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है मेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट और मक्के की रोटी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक बटन को प्रेस करें और हमें कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।
जिसका लिंक मैंने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। I can hear the sound.